के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी आपको पहली सांस छोड़नी पड़ती है। तो त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम मकर राशि के लिए बहुत ज्यादा खास है, बहुत विशेष है। मकर राशि का नवंबर 2023 का मासिक राशिफल, मंथली प्रिडिक्शन नवंबर 2023 आपके लिए मकर राशि के लिए कैसा रहेगा, बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, सब कुछ जानेंगे। आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा, और अंत में बताऊंगा अचूक उपाय क्या फॉलो करने चाहिए। दोस्तों बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि शनिदेव वक्री से मार्गी होंगे 4 नवंबर को। इसके साथ साथ शुक्र, बुध, सूर्य, मंगल, ये सारे ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे इस महीने। ठीक है, तो बताऊंगा आपको क्या क्या होने वाला है नवंबर के महीने में। चलिए फिर करते हैं शुरुआत। ये कार्यक्रम जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, और दोस्तों अगर अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श करवाना चाहते हैं आप, तो नंबर सिर्फ चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर कोई भी आपके कमेंट्स में रिप्लाई करता है तो चेक कर लीजिएगा, वो स्कैम होता है। चलिए आप करते हैं शुरुआत। नवंबर 2023 मकर राशि। जब नवंबर का महीना शुरू होगा तो आपकी राशि से नवग्रह की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी, जैसे यहां पे आप देख रहे हैं। दोस्तों राशि के स्वामी बनते हैं आपके शनिदेव, सेकंड हाउस में विराजमान है। आपके तीसरे घर में विराजमान है राहुदेव, तो नाइन्थ हाउस में है आपके कौन, केतु विराजमान है। आपके फोर्थ हाउस में विराजमान है दोस्तों देव गुरु बृहस्पति विराजमान है। इसके साथ साथ आपके टेंथ हाउस में विराजमान है सूर्य, मंगल और बुध, वहीं आपके अष्टम भाव में विराजमान है शुक्र ग्रह। अब आपको ध्यान से सुनना होगा, जल्दबाजी में नहीं। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, ये जान लेते हैं। राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, कहां पर है, सेकंड हाउस में है, वक्री से मार्गी हो रहे हैं 4 नवंबर को। ये बहुत अच्छी बात है कि जिनको वक्री शनि दांतों में तकलीफ दे रहे थे, मुख में तकलीफ दे रहे थे, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन दे रहे थे, एलर्जी दे रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्किन से रिलेटेड, त्वचा से संबंधित परेशानी दे रहे थे शनिदेव, तो 4 नवंबर के बाद शनि मार्गी हो रहे हैं, अच्छा हो जाएगा आपके लिए। और हाँ एक बात कहूंगा आपको, 4-5 नवंबर से पहले शुक्र जो है वो 3 नवंबर तक अष्टम भाव में रहेंगे, तो खाने पीने में अष्टमक से रिलेटेड, लीवर, डाइजेशन, इसका ध्यान रखना होगा सिर्फ। लेकिन पूरा महीना अगर देखा जाए तो हेल्थ से रिलेटेड अच्छा दिख रहा है। वहीं बात करें आपकी पढ़ाई की, स्टडीज कैसे रहेगी आपकी पढ़ाई। दोस्तों पंचम भाव, फिफ्थ हाउस होता है पढ़ाई का, पंचमेश बनते हैं शुक्र, नाइन्थ हाउस में आ जाएंगे 3 नवंबर को, बहुत अच्छी बात है। त्रिकोण में आ जाएंगे दोस्तों 3 नवंबर के बाद आपकी पढ़ाई अच्छी है। अगर आपको अक्टूबर में परेशानी हो रही थी पढ़ाई में, मन डाइवर्ट हो रहा था, स्टेबिलिटी नहीं थी, कंसंट्रेशन नहीं था पढ़ाई में, तो 3 नवंबर के बाद शुक्र त्रिकोण में आ जाएंगे, अष्टम भाव को छोड़कर परिवर्तन करेंगे। 3 नवंबर के बाद आपकी पढ़ाई अच्छी है, और वैसे भी ये महीना आपकी पढ़ाई को लेकर, आपके एडमिशन को लेकर, एग्जाम को लेकर अच्छा दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें आपकी प्रेम प्यार की, लव रिलेशन, पंचम भाव ही होता है लव रिलेशन का दोस्तों, और पंचमे शुक्र अच्छी जगह पर परिवर्तन करने वाले हैं। ये महीना मकर राशि के लिए वैसे भी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है आपके लिए, क्योंकि क्योंकि शुक्र भी आपके 9th हाउस में प्रवेश करेंगे, तो ये भी बहुत अच्छा है, प्रेम प्यार को लेकर बहुत अच्छा रहेगा। शनिदेव की स्थिति भी बहुत अच्छी है, सूर्य, मंगल, बुध ये भी आपके केंद्र में विराजमान हो रखे हैं, राहु भी 4th हाउस से निकल चुके हैं। लव रिलेशन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, या फिर किसी के साथ में अटैचमेंट भी हो सकता है आपका निश्चित। वहीं बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, कैसी रहेगी दोस्तों आपकी मैरिड लाइफ। सप्तम, 7th हाउस होता है मैरिड लाइफ का, और 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं चंद्रमा। चंद्रमा हर सवा 2 दिन में परिवर्तन करते हैं। एक बात मैं आपसे पूछूंगा और कमेंट करना होगा आपको कि मकर राशि के मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम मैं देखता हूं कि राशि के स्वामी हैं शनिदेव, तो 7th हाउस के स्वामी हैं चंद्रमा, चंद्रमा और शनिदेव शत्रु हैं। यहां पर मैरिड लाइफ कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मकर राशि वाले कितनी भी कोशिश कर लें मैरिड लाइफ में, ये इस महीने की बात नहीं बोल रहा हूं आपको, हमेशा की बात बोल रहा हूं, थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद रहेंगे, सोच विचार में बहुत डिफरेंसेस रहेंगे, आप रहेंगे जिद्दी तो वो रहेंगे थोड़े मूडी स्वभाव के, आपके अंदर गुस्सा रहेगा तो उनके अंदर भी गुस्सा रहेगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन ये महीना मैं फिर भी कहूंगा कि सही दिखाई दे रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि गुरु भी जो है आपके सही है,
कोई यहाँ पे इशू नहीं है, गुरु आपका केंद्र में है, सूर्य मंगल बुध भी केंद्र में है, राहु फोर्थ हाउस से निकल चुके हैं। हाँ, मैरिड लाइफ में थोड़ा और अच्छा बेटरमेंट आ सकता है पहले के अगर हम कंपेयर करें तो ठीक रहेगी, मैरिड लाइफ एवरेज रहेगी। बात करें सबसे महत्वपूर्ण विषय, भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा आपका। भाग्य स्थान के मालिक बनते हैं बुध ग्रह, ठीक है, और करियर के बनते हैं कौन दोस्तों, करियर के स्वामी बनते हैं आपके शुक्र ग्रह। दोस्तों बुध ग्रह की स्थिति केंद्र में है, लाभ स्थान में चले जाएंगे 7 नवंबर को। 7 नवंबर के बाद आपके भाग्य में प्रॉफिट हो सकता है, आपके भाग्य में लाभ हो सकता है, यह बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आपके जो राशि के स्वामी हैं कौन है, 9th हाउस के भाग्य के बुध हैं, और बुध 11th हाउस में जाएंगे 7 नवंबर को, तो लाभ ही लाभ है आपके भाग्य में। पैसा लगा सकते हैं, कुछ चीज परचेस कर सकते हैं, कहीं पर जा सकते हैं, ट्रेवलिंग कर सकते हैं, कोई काम शुरुआत कर सकते हैं, कोई शुभ कार्य कर सकते हैं, कोई बड़ा काम कर सकते हैं, भाग्य आपका साथ देगा। और ये महीना ऐसा दिखा रहा है कि जिनके पास नौकरी नहीं भी है ना, तो नौकरी लगने की संभावना भी बहुत अच्छी है, नौकरी लगने की संभावना बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर मकर राशि की, क्योंकि 9th लॉर्ड अच्छी स्थिति में है, इवन जो 10th लॉर्ड हैं शुक्र वो भी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे 3 नवंबर के बाद, संभावना बहुत अच्छी है, एफर्ट डालिए आप, ठीक है। करियर की बात करूं अगर मैं इस महीने की, तो दसवें बनते हैं शुक्र, आपको अक्टूबर में परेशानी आ रही थी, सितंबर में परेशानी आ रही थी, चिड़चिड़ा स्वभाव हो रहा था, पॉलिटिक्स हो रही थी आपके साथ में, और अष्टम भाव में थे शुक्र, काम करने का मन नहीं लग रहा था, तो नवंबर में देखना आप 3-5 नवंबर के बाद थोड़ा सा आप संतुष्ट हो जाएंगे, यानी सेटिस्फाई जोन में आ जाएंगे, ट्रैक पे आ जाएंगे, काम करने में मन लगेगा, अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि शुक्र की स्थिति भी अच्छी हो जाएगी और कामकाज अच्छा हो जाएगा, आप बिल्कुल स्मूथ तरीके से काम करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। और एक होता है ना, कभी कभी काम का बहुत ज्यादा बर्डन होता है, बहुत टारगेट होते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, मुझे नहीं दिखता कि इस महीने आप अपने काम को लेकर परेशान रहोगे, मुझे नहीं दिखता, क्योंकि शुक्र भी अच्छे हैं, बुध भी अच्छे हैं, और यहां पर मैं देख रहा हूं शनिदेव भी अच्छे हैं, राहु भी 3rd हाउस में आ चुके हैं, राहु का 3rd हाउस में आना कि आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे हैप्पीनेस में, तो राहु देव 3rd हाउस में अच्छा फल देते हैं। बिजनेस की अगर मैं बात करूं, व्यापार की, दोस्तों बुध केंद्र में व्यापार अच्छा चलेगा, लेकिन चंद्रमा हर 2.25 दिन परिवर्तन करते हैं, 30 दिन में से अभी भी 8-10 दिन ऐसे होंगे जब व्यापार में थोड़ी चिंता ज्यादा रहेगी आपके, या फिर थोड़ा हो सकता है कि कंपटीशन ज्यादा रहेगा, फ्रस्ट्रेशन थोड़ी बहुत रहेंगी, लेकिन 20-22 दिन आपके व्यापार को लेकर बहुत ही अच्छे रहेंगे। नया काम, नई चीज, नई टेक्निक, नए स्मार्ट वर्क, नई चीजें आपके साथ में जुड़ती हुई देखी जाएंगी, ठीक है। ये बताया दोस्तों मैंने सब कुछ, क्या उपाय करने चाहिए दोस्तों आपको। सबसे पहले तो आपको शनिदेव का बीज मंत्र करना चाहिए, ओम प्राम प्रीम प्रोम स सनिश्चराय नमः 108 बार सूर्यास्त हो जाने के बाद। शुक्र का बीज मंत्र करना चाहिए, ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः 108 बार सुबह सुबह रोजाना। हनुमान चालीसा का पाठ करें, बहुत अच्छा रहेगा। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।